यहाँ पे वेब है, ये पूरा सेंटर का जो जो भी जहाँ पे जैसा गार्डन है, शेड है, तो सब यहाँ पे दिखाते हैं ये मैप के थ्रू। और ममता क्लिनिक यहाँ पे फर्स्ट थर्स्ट और फोर्थ वेनसडे को यहाँ पे ममता क्लिनिक होता है, उसका सेटअप किया हुआ, जिससे फीमेल की प्राइवेसी भी मेंटेन हो, उसके लिए सेपरेट किया हुआ है। ये वेटिंग एरिया और एडोलेशन कॉर्नर है, और हाइट वेट का स्केल है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन चार्ट, बायोमेडिकल का स्टोरेज, AFI कॉर्नर, और ये पूरी INC न्यूनेटल इंफ्यूजन जितनी भी सेवाएं अभी चल रही है, और रमन चाका पोस्टअप है। अभी अंदर चलते हैं। ये ORS कॉर्नर, FP कॉर्नर है यहाँ पे। ये ORS का सेट, ये FP का, और ब्लड स्टील और मर्क्यूरी स्टील यहाँ पे रखा हुआ है। ये दोनों का सेट है, अगर कहीं पे भी ब्लड स्पिल या मर्क्यूरी स्पिल हो तो ये किट लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर एक साइड लगाया हुआ है, इनके कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी एग्जिट भी दिखाई है इस साइड, और ये यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कैसे हैंड वॉश करना है लेबर रूम में जाने से पहले, और कैसे सब मेंटेन करना है, ये सब भी दिखाया हुआ है। टॉयलेट में सब जगह पे INC लगी हुई है, कैसे टॉयलेट यूज करना है वगैरह की। ये देख सकते हो। उसके बाद इस साइड मैंने सेटअप किया है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन के लिए। यहाँ पे कोई फीमेल हो तो उसे बिठा के सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं, कि उसको घर के भी कैसे ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ये लेबर रूम का सेटअप किया हुआ है अंदर, और इमरजेंसी का है। ये पूरी 7 ट्रे है कि जिसके अंदर हम लोगों को जो सब रखना है, अभी थोड़ा सा बाकी है, काम चल रहा है इसकी वजह से। दूसरा ये इमरजेंसी क्रिश कार्ड है, जिसमें पीटिया अंगू, एडल्ट अंगू और उसके इमरजेंसी ड्रग्स इसमें होंगे। दूसरा ऑक्सीजन सक्शन मशीन और इमरजेंसी के सारे प्रोटोकॉल इसमें रखे हुए हैं। दिस साइड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे सारे बायोमेडिकल वेस्ट के लगाए हुए हैं प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और उस सारी जगह पे वर्क इंस्ट्रक्शन खास तरह से रखे गए कि कहीं कोई मिस ना कर दे। हम लोगों ने हर्बल गार्डन के साथ साथ किचन गार्डनिंग भी की हुई है, जिसमें पालक, मेथी, गाजर, मूली बहुत ज्यादा मतलब सेहत के लिए अच्छी होती है, वैसे चीजें भी हमने रखी है, और पूरा पोर्शन कवर किया है पूरा। और जो बायोमेडिकल वेस्ट अंदर जनरेट होता है FAW का, CHO का, और फील्ड में से भी अगर कुछ हो तो वो सब इकट्ठा करके यहाँ पे हमने बायोमेडिकल स्टोर एक बनाया हुआ है। जो पुराना फ्रिज था उसको मैंने इनोवेटिव करके एक बायोमेडिकल वेस्ट का स्टोर बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ चारों कलर कर दिए, और इस साइड से खुलता है जिससे वो कोई और ले भी ना सके। और ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, इसलिए कोई और उसे ओपन ना करे। उसके बाद ये स्पूटम कॉर्नर है सिर्फ सेंटर के इस साइड पे, जिससे कुछ भी स्पूटम वगैरह का बैक्टीरिया वगैरह उस साइड ना जाए, और कोविड का टेस्ट भी यही होता है। सर्दी जुखाम वाले पेशेंट जितने भी है वो यहाँ पे चेयर रख के हम लोग उसका एग्जामिन करते हैं, उसको बाहर ही रखते हैं। ये पूरा वेटिंग एरिया है, जो एल्डरली पेशेंट है उसको ज्यादा देर वेट ना कर सके, वो आराम से बैठ सके, और हमारी जब हम बुलाए तब अंदर आ सके। और दूसरा कुछ ग्रुप एक्टिविटी करनी है, कुछ समझाना है, योगा करना है, तो सब यहीं पे कर सकते, इसलिए ये पूरा सेटअप किया हुआ है। और वहाँ पे पेशेंट राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी लगाई हुई है। बाकी सब INC अंदर की मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे योगा, दूसरा एनेमिक मदर और देख सकते हैं फीमेल होती है उसके आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, वैसे लिखा हुआ है। PMP योजना, फूड पिरामिड, कैसे फूड खाना है, दूसरा इम्यूनाइजेशन
चार्ट जो अभी प्रेजेंट में जो जितनी वैक्सीन आती है वो सब इसमें लिखी हुई है, और NVBDCP की साइकिल, ये सब मैंने अभी किया हुआ है, तो आप देखिएगा और उसमें कुछ